किस काल में झारखंड को कुकरा कहा जाता था? हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड माय फ्रेंड्स, झारखंड जीएस में आपका स्वागत है और आज हम लोग कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। पहला, झारखंड जो है वो पूर्वी भारत का एक राज्य है जिसकी राजधानी कहाँ पे है? रांची। झारखंड के कुछ बड़े शहर हैं, ठीक है, जमशेदपुर, धनबाद, रांची, ये झारखंड के बड़े शहरों में से एक है। झारखंड के उपराजधानी दुमका, ये भी बड़े शहरों में से एक है, ठीक है। पहला क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि झारखंड कहाँ है, तो भारत के पूर्वी में झारखंड एक छोटा सा राज्य है। झारखंड का एरिया कितना है, क्षेत्रफल कितना है, तो आप बता सकते हैं कि 79,716 किलोमीटर स्क्वायर, और ये एरिया के हिसाब से झारखंड जो है एरिया के हिसाब से भारत के 15वां सबसे बड़ा राज्य में से एक है। कितना? 15वां बड़ा राज्य है। झारखंड किस राज्य से अलग हुआ था? तो बिहार से। कब अलग हुआ था? तो 15 नवंबर 2000 को। कब? 15 नवंबर 2000 को। झारखंड के सीमा, ठीक है, झारखंड का बाउंड्री, पूर्व में झारखंड के पूर्व में कौन सा राज्य है? पश्चिम बंगाल। झारखंड के पश्चिम में दो राज्य हैं, याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़। उत्तर में बिहार है और दक्षिण में उड़ीसा है, ठीक है। झारखंड के संपर्क में जो है पांच राज्य है, कौन कौन? पूर्व में पश्चिम बंगाल, याद कर लीजिएगा, पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़, ठीक है। उत्तर में बिहार और दक्षिण में उड़ीसा, ये पांच राज्य जो झारखंड के बाउंड्री से अटैच है, ठीक है। झारखंड का एरिया अभी मैंने बताया 79,716 किलोमीटर स्क्वायर, जो भारत के 15वां सबसे बड़ा राज्य में से एक है। फिर जनसंख्या के आधार पे बात करें तो झारखंड का ये 2000 जनसंख्या में 2011 के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, जो लगभग 3 करोड़ के आसपास थे, अभी बढ़ गया होगा जनसंख्या। झारखंड का नामकरण, आखिर झारखंड नाम कैसे पड़ा? तो झारखंड जो है झार और खंड से मिलकर बना हुआ है। झारखंड यानी कि जंगल, ऐसा भूमि जहां पे जंगल हो उस भूमि को झारखंड बोला गया है, जहां पे जंगली ही जंगल हो। कहा जाता है कि भारत का जो झारखंड है वो भारत का सर्वाधिक जंगल पाए जाने वाला क्षेत्र में से एक है। यहाँ पे अधिक जंगल पाया जाता है। यहाँ पे जो है प्राचीन काल में मुंडा का शासन हुआ करता था, सुत्या मुंडा। तो सुत्या मुंडा के काल में झारखंड को जाहेर खोंड बोला जाता है, आदिवासियों का एक भाषा है, जाहेर खोंड। जाहेर मतलब होता है जंगल झाड़, और खोंड मतलब होता है भूमि। तो इसीलिए मुंडा काल में झारखंड को जाहिर खोंड बोला जाता था। अक्सर क्वेश्चन पूछता है, याद रख लीजिएगा कि किस काल में झारखंड को जाहिर खोंड बोला जाता था, किस काल में? मुंडा काल में, मुंडा शासन काल में झारखंड को जाहिर खंड बोला जाता था, ठीक है। उस समय जाहिर खोंड का जो शासक थे वो कौन थे? तो सुत्या मुंडा। कौन? सुत्या मुंडा। आगे भी यही आता है कि मुगल काल में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था, तो मुगल काल में झारखंड को कुकरा नाम से जाना जाता था। किस नाम से? कुकरा नाम से। क्योंकि झारखंड जो है वो छोटा नागपुर पठार में बसा हुआ है। किस पठार में? पूछता है कि झारखंड किस पठार में बसा हुआ है, तो झारखंड छोटा नागपुर पठार में बसा हुआ है, जिसके कारण झारखंड को छोटा नागपुर
प्रदेश भी बोला जाता है। तो झारखंड को छोटा नागपुर प्रदेश क्यों बोला जाता है? क्योंकि झारखंड जो है वो छोटा नागपुर का छोटा नागपुर पठार में बसा हुआ है, जिसके कारण झारखंड को क्या बोला जाता है? छोटा नागपुर प्रदेश। एक क्वेश्चन, झारखंड का भगवान किसे कहा जाता है? तो ये सभी को जानते हैं कि झारखंड का जो भगवान है वो बिरसा मुंडा को कहा जाता है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में ये जानेंगे बिरसा मुंडा को झारखंड का भगवान क्यों कहा जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जानेंगे कि बिरसा मुंडा को झारखंड का भगवान क्यों कहा जाता है। जय हिंद, जय भारत।